प्रदेश में राजस्व महाभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर राजस्व से जुड़े कामों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें भू अभिलेखों का शुद्धिकरण, लंबित राजस्व मामलों का निपटाना और डिजिटल कॉर्प सर्वे, पीएम किसान योजना का लाभ, फार्मर आईडी आदि भी शामिल है। मोहन सरकार राजस्व संबंधी मामलों को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज करा रही है। इससे इस प्रक्रिया में सुधार आएगा और सैकड़ों लोगों को फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा नामांतरण बंटवारे के आदेशों को भी ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है। नामांतरण बंटवारा अभिलेख सुधार को प्राथमिकता से हल किया जा रहा है। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले, ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। अभियान के जरिए प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जा रही है। खरीफ 24 में डिजिटल कॉर्प सर्वे किया जा रहा है। पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जा रहा है। अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। इस महाअभियान में नागरिकों को समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार, ईकेवाईसी कराने की सुविधा फ्री रहेगी।